Hi everyone, I hope all of you are doing good. Just before starting this video, I want to tell you guys that I shot this video in January. Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vrithi, this is my world, this is my channel, this is my space. How are you all? So guys, हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे वाले घर में शिफ्ट हुए हैं एंड द हाउस इज एम्प्टी बिकॉज हमारा पुराना फर्नीचर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया था एंड सो बेसिकली वी आर गोइंग फॉर फर्नीचर शॉपिंग. हमारे हम लोगों ने एक शॉर्टलिस्ट भी किया हुआ है सारा सामान बिकॉज घर पे एक भैया आए थे, उनकी शॉप कीर्ति नगर में है एंड वो घर पे आए थे. वो उन्होंने सारे डायमेंशंस लिए, डायमीटर लिया, ये लिया, वो लिया, तो हमने कुछ चीज़ें फाइनल करी हुई हैं बट देन इट इज़ नॉट फाइनल फाइनल, इट इज़ सेमी फाइनल. सो वी आर जस्ट गोइंग टू गो देयर एंड डू द नीडफुल. सो मैंने सोचा कि यार अभी घर मैंने हम लोग शुरू कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट कीप यू ऑल टुगेदर एंड शो यू व्हाट इज़ हैपनिंग. By the way, बता देती हूँ, we have hello. Hi. वो देखो मेरी जान, माफी. ओ मेरा बच्चा. और ये हमारी मदर इंडिया है. Hi everyone. हमारे बच्चे को संभालती हुई. Guys, I really want to tell you something. All the mothers will agree, अगर यहाँ पे कोई मतलब मदर मेरा ये देख रही है, जब छोटे बच्चों को बाहर लेके जाता है ना, वो एक पूरा बैग बनाते हैं ना मदर्स, जिसमें पानी होता है, दूध होता है, बच्चे की फीड होती है, ये होता है. नॉट दैट आई रिमेंबर माई मदर डिड फॉर मी, बट ऑब्वियसली शी मस्ट हैव डन इट फॉर ऑल फॉर पृथ्वी. बट नाउ आई एम सीइंग दिस मदर इंडिया इज कैरिंग अ कंप्लीट बैग. द बैग इज हियर, सी. ये हमारे मफिन की फीड है, हमारे मफिन के कपड़े हैं, हमारे मतलब एवरीथिंग यू नेम इट. बाउल भी है, इसके वेट वाइप्स भी हैं. बहुत खर्चा करा रहा है. मतलब एम आई जेलस? नो, क्योंकि मेरी औलाद है. बट क्या मस्त चीज है ना ये. मतलब आप बैठ जाओ, आप भौंक लो, आपको आपको खाना खाना है भौंक लो, आपको सोना है, आप ऐसे ऐसे सुसु कर लो. एग्जैक्टली, जहाँ मन करे सुसु कर लो. अभी इसकी ना वॉशरूम ट्रेनिंग चल रही है. बट आई रियली वॉन्ट से, अब लोग कहेंगे कि यार तुम्हारा है इसलिए तुम बायस हो रहे हो. ऑब्वियसली मेरा है तो मैं बायस होंगी, बट देन दिस वन इज एक्सट्रीम इंटेलिजेंट. लेकिन दिस वन नोज हाउ टू इग्नोर यू. इसके अपने मूड स्विंग है, इसके अपने एटीट्यूड टैंट्रम्स है एंड ही इज जस्ट वॉट 50-55 डेज. कभी कभी ऐसी बातें करता है, ऐसा लगता है कि अभी मुंह खोल के बोलना शुरू हो जाएगा. एनीवेज, लेट्स गो टू कीर्ति नगर.
नहीं ये तो बहुत, ये तो बहुत पुराना हो गया, चल नहीं रहा। हाँ मगर मैच होता है। एंड मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब है तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल होके मैं आपको आई विल गेट बैक टू यू।